हाय गाइस, आजकल कोरोना से बचने के लिए हर कोई प्रयत्नशील है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है। तो इसका बचाव और साथ में हमारी इम्यूनिटी पावर को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ताकि हम कोरोना जैसी आजकल जो इतनी महामारी फैली हुई है, इससे बचा जा सके। इसके लिए एक नाम आता है गिलोय का। गिलोय जो है वो इम्यूनिटी को इनक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। गिलोय कई तरह की डिसीज़ से लड़ने की क्षमता देता है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में गिलोय का सेवन करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा भी गिलोय के सेवन करने से हम और भी कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीजेज, ब्लड प्रेशर, टीबी, कीड़े। जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं हमारे बॉडी के लिए। या डेंगू और मलेरिया, इस तरह की बीमारियों में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से कई तरह की स्किन डिसीजेज भी ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों को भूख कम लगती है या नहीं लगती, उन इसका गिलोय का सेवन करने से उसको भूख अच्छे से लगनी शुरू हो जाती है। और जैसे मौसम जब चेंज होता है, जब ऑलमोस्ट हम सब लोगों को 80% लोगों को कफ, कोल्ड या स्किन प्रॉब्लम जैसी समस्या आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारा गर्मी से सर्दी या सर्दी से बरसात या गर्मी, तो हमारी बॉडी के जो अंदर गुड बैक्टीरियाज हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, या हमारी बॉडी एकदम से उसको नहीं अडेप्ट कर पाती। तो ये गिलोय का सेवन जो करते हैं, जो हम लोग उससे हम इन आने वाली समस्याओं से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। गाइस, अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो इसके पत्तों को पीस के इसका रस निकाल के शहद के साथ सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है। अगर किसी के कान में दर्द है उसको, तो उसके पत्तों को, गिलोय के पत्तों को का रस निकाल के एक एक ड्रॉप कान में डालने से तुरंत आराम मिलता है। ये आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है इसका सेवन करना। अगर तो आप इसके जूस का सेवन करते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, तो आप इसके 10 से 15 ग्राम एक कप पानी में खाली पेट और शाम को ले सकते हैं, यानी कि 2 से 3 चम्मच। अगर आप इसका काढ़ा बनाकर पीना चाहते हैं तो दिन में 2 बार शहद डाल के इसका काढ़ा, जो इसके जड़ आती है उसको पीस के अच्छे से इसका काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कड़वा होता है, तो शहद मिलाकर आप ले सकते हैं। गाइस, गिलोय की तहसील जो है गर्म होती है, कुछ लोगों को गर्म चीज़ सूट नहीं करती, तो आप इसको आंवले के जूस के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। इस बात से गाइस कोई दो राय नहीं है कि हम इसको पावर ड्रिंक का भी नाम दे सकते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर किसी को अनीमिया हो जाए तो इसके पत्तों के रस को शहद और घी में मिलाकर दें, बहुत ही जल्दी फर्क पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।